पर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों, आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुसवा कर दिया। उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत यह है? हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहां से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। अब हम बिन यामीन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद हुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते? या यूसुफ के कमरबंद वाले वाक्य से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबर ज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे सौ दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं? वाकयन डूब मरने का मकाम। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दे। किस मुसीबत में फंस गए फौजदार इसराइल के आदो? हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे। मुझे अफसोस है
عزیز مصر آپ لوگوں سے ملنے کو تیار نہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنیامین کو اس کے حال پر چھوڑ کر خود چلتے بنے؟ کچھ تو کیجئے. آپ کو خدا کا واسطہ, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اسے دریغ مت کیجئے. افسوس میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا. کیا ہوا جناب مالک؟ کیا وہ بنیامین کو آزاد کر رہے ہیں؟ آپ کو خدا کا واسطہ کچھ کیجیے. آیا عزیز مصر ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہے؟ بنیامین کے بغیر بابا کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں ہے. یہ ممکن نہیں, ممکن ہی نہیں کہ ہم عزیز مصر سے ملاقات کیے بنا واپس لوٹ جائیں. یا تو وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دے یا پھر ہم سب کو ہی گرفتار کر لیں. میں کوئی وعدہ نہیں کرتا لیکن اپنی سی پوری کوشش کروں گا. جو کام آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد کوئی کیسے آپ کی سفارش کرنا پسند کرے؟ ہم عزیز مصر کو اس سے کہیں بڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ناامید کریں. امید کرتا ہوں کہ عزیز مصر ایسا نہ کریں. دیکھنا پڑے گا. جناب یوزار صیف نہایت ہی غصے میں تھے. ایسا کریں, آپ لوگ یہیں رکیں, ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. ہم ابھی آتے ہیں. اپنا اسلحہ تحویل میں دے دیں اور جائیں. ٹھہر جائیں, آپ لوگ یہی انتظار کریں, ہم انہیں مطلع کرتے ہیں. آ گئے وہ لوگ؟ ہم نے انہیں کہا ہے کہ دیکھو کوشش کرتے ہیں, امید ہے وہ آپ کو ملنے کی اجازت دے دیں گے. وہ سب لوگ اس وقت دروازے کے پیچھے کھڑے, اجازت ہو تو اندر لے آؤں. انہیں ہمارے اس کھیل کی بھنک تو نہیں پڑی نا؟ نہیں, بظاہر تو انہیں اس تمام واقعے پر یقین آ گیا ہے. بنیامین کو یہاں سے لے جائیں. چند سپاہیوں کو بھی چوکن نہ رکھیں, ممکن ہے کہ وہ نا امید ہو کر کچھ غلط کام کر بیٹھیں. نیمی صاحب انہیں بھیج. کنانیوں کے قانون اور سنت کے روح سے چور کو 4 سال کے لیے غلامی میں لے لیا جاتا ہے. یہ آپ نے خود ہی کہا تھا نا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عزیز مصر کو خادموں اور غلاموں کی کیا کمی؟ مہربانی فرما کر عنایت کریں اور بنیامین کو ہمیں لوٹا دیں. خطا کار کو اگر سزا نہ دی جائے تو وہ اپنی اس غلطی کو دوبارہ دہراتا ہے. اے عزیز مصر, بنیامین کے بابا اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے. خدا را اس مصیبت زدہ باپ پر رحم کیجیے.
کیا میری محبتوں کا یہ صلہ جائز تھا؟ آپ کے بھائی کو سزا ملنی ہی چاہیے. میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ حکم دوں کہ اسے کسی قسم کی کوئی جسمانی اذیت نہ دی جائے. آپ ہم میں سے کسی کو قید کر لیں, بلکہ چاہے تو مجھے ہی قید کر لیں, مگر خدا را اسے بابا کے پاس جانے. امید ہے کہ آپ جیسی عظیم ہستی ہمارے حال پر ضرور رحم فرمائے گی. آپ پیغمبر زادے جناب زارسیب سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کو غلام چاہیے نا, اب وہ بنیامین ہو یا کوئی اور, کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے غلاموں کی کیا کمی, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. میرا مال تو بنیامین کے پاس سے برآمد ہوا ہے اور اب میں اس کی جگہ کسی اور کو سزا دوں؟ ایسی صورت میں تو میرا شمار ظالمین میں ہوگا. خطاکار کو اظہار ندامت و پشیمانی کرنا ہوگا تاکہ اس کی تطہیر ہو سکے, وگرنہ تنبیہ اور سزا کے ذریعے اسے طاہر کرنا ہوگا. آپ کے بھائی نے ابھی تک اظہار پشیمانی نہیں کیا ہے, بس اسے سزا ملنی ہی چاہیے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ توبہ کر لے گا. آیا واقعی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ توبہ کرنا کیا واقعی اتنا آسان ہے؟ لیکن میں ایک ایسے گروہ کو بھی جانتا ہوں جو خطاکار ہے لیکن اس نے اب تک توبہ نہیں کی ہے. اس معاملے کو مزید مت بگاڑو. اگر کوئی بھی حرکت کی تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا پائیں گے. جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں, چلے جائیں. نے بابا سے وعدہ کیا تھا اور خدا کو گواہ بنا کر عہد کیا تھا کہ بنیامین کو واپس اپنے ساتھ لائیں گے. اب تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بنیامین کے بغیر واپس چلے جائیں؟ بالخصوص ایسے ہوئے کہ جب بابا پہلے یوسف کا زخم سہ چکے ہیں. آخر وہ کس طرح یقین کریں گے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور یہ کہ عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے؟ اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے اور بابا پر جو ستم ڈھایا تھا اسے نہیں سمجھ پائے تھے, لیکن اب جب ہم نے بنیامین کو کھویا ہے اور خالی ہاتھ بابا کے پاس جا رہے, تب مجھے سمجھ میں آیا کہ جس گناہ کے ہم مرتکب ہوئے ہیں وہ کتنا عظیم گناہ تھا. کیا ہوا لابی, بنیامین کو آزاد نہیں کیا؟ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ عزیز مصر بڑا ہی مہربان اور رحم دل انسان ہے, تو پھر اب کیا ہوا؟ نہیں معلوم, نہیں معلوم, سب کچھ اچانک ہی بدل گیا. اب وہ پہلے جیسے یزار سیف ہی نہیں رہے. اب ہم کیا کریں؟ کچھ تو پتا چلے کہ ہم رکیے چلے جائیں, کیا کریں؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا, یعنی میں جا ہی نہیں سکتا. اب جب تک بابا اجازت نہیں دیں گے میں گران واپس نہیں لوٹوں گا. آپ لوگ جائیں, کاروان والے منتظر ہیں. ہم پہلے ہی بنیامین کے لیے پریشان ہیں, اب تمہارے متعلق بابا کو کیا جواب دیں؟ لاوی میں سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی, وہ مصر میں ہی رک گیا. لاوی یا تو اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ لوٹے گا یا پھر ترس میں ہی اپنی جان دے دے گا. لاوی جائیں, چلے جائیں, تمام خاندان والے آپ کے منتظر ہیں, چل چل. یہ تو بتا دو اگر ہم دوبارہ مصر آئے تو تمہیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ بردا فروشوں کے سرائے میں, وہیں پر ایک دوسرے سے ملیں گے. اب جائیں. چلو چلو.
मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी कोई तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अबू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना। अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी तब कहीं उन्हें पाया, लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबेन ये जुदाई डाली है और ये जुदाई खत्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावंद माने हो गया। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिजर फिराग अब खत्म होने को है। इसमें कोई शक नहीं, बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो असनात। नमूना इंसान कामिल और महर मोहब्बत का संबंध तो जनाब यूसुफ है और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द और मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाजा है, ना कि असनात। मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूँ। वो जितना मुझ पर ना मेहरबान थे, मेरे दस्ते निगर रफराज से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको? मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने। तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप? नहीं मालूम, अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था। अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती। यूसुफ पैगंबर खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा और हवस पर मबनी नहीं है। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्ज़त के बगैर अंजाम नहीं देते। यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है। आंखों की बिनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इस्तवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है। मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है, ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुस इश्क महबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं। बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं।
आ गए, आ गए, कारवो वाले आ गए, आ गए। रास्ता इतनी जल्दी ना तय होता। अब बाबा से क्या कहेंगे? सलाम चाचा जान। सलाम। सलाम चाचा। सलाम चाचा जान। खुश आमदीद। खुश आमदीद चाचा जान। सलाम। चाचा बिन्यामिन कहाँ है? नोमा, तुम्हारे बाबा बिन्यामिन इनके साथ नहीं आए? तुम्हारे बाबा भी तो नहीं है। चाचा यहूदा, मेरे बाबा लावी कहाँ है? परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खैरियत से हैं। चलो चलो। क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लावी कहाँ है? कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग? बिन्यामिन को क्या हुआ है बताओ, आखिर वो है कहाँ? अब कौन सी नई मुसीबत नाजिल करती है मुझ पर? बिन्यामीन और लावी कहाँ हैं? क्यों हर मर्तबा तुम लोगों के सफर पर जाने के बाद हम साने के मुंतजिर रहे? आखिर क्यों? परेशान मत होइए बाबा, कोई अलमनाक सानहा नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। बिन्यामीन और लावी दोनों जिंदा और सलामत और बाखैरियत हैं। बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आएगा। अगर वो सलामत हैं, तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया, इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं, काफले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते, लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। नहीं, नहीं। शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन उसके भाई जानते हैं कि बिन्यामीन चोर नहीं है। बिन्यामीन को मैंने पाला है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता।
लावी का क्या हुआ? उसने क्या चुराया था जो उसे अपने साथ नहीं लाया? उसमें सामना करने की हिम्मत न थी। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के बगैर किनान वापस नहीं जाऊंगा। वो मजबूरन वहीं मिस्र में रुक गया। ये सब तुम्हारे जहन की इख्तरा है। ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साख्ता है। तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुताले कह रहे हो वो सब झूठ है। हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीज मिस्र का मसरूका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। गंदुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने पसंद थे, कितने वादे किए थे। वादा वफा ऐसे किया जाता है। मैं तुम लोगों के शर से कैसे छुटकारा पाऊं? कैसे? वाह हसरत, हाय मेरे खुदा, मेरा बिन्यामीन, मेरा लावी, मेरे बच्चों, क्यों तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? तुम्हारी जुदाई का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? देखो तुम्हारी जुदाई से मेरे सीने में दर्द होने लगा और आंखें खून के अश्रुओं ने लगी है। मैं किस पर गिरिया करूं और किस पर न करूं? मेरे बच्चों, इतना गिरिया करके तो आपको मार डालेंगे। बस कीजिए बाबा, बिन्यामीन मेरा लाल। बस कीजिए बाबा, आपके यूं गिरिया करने से सिवाय आपके दुख दर्द में मजीद इजाफे की और कुछ नहीं होगा। आपको खुदा का वास्ता, पहले ही आपकी बिनाई कमजोर है, अजीब रूह से ना हो जाएंगे। बाबा, बाबा, बस करे, यूसुफ, मेरे यूसुफ, बाहे कनान, जब जब तुम मेरे ख्यालों के उफक पर नमदार होते हो तो मेरी तारीफ जिंदगी को और मेरे दिल के अफसरदा खाले को रोशन कर देते हो। तुम्हारी जुदाई का जागुलास गम क्या कम था जो अब उसमें बिन्यामीन और लावी की जुदाई के गम का भी इजाफा हो गया है। इन लोगों ने मेरे सीने में आग लगा दी है। मेरी जिंदगी की तीरगी में मजीद इजाफा कर दिया है। जाने पिदर, क्या तुम भी मेरी तरह दर्द फिराक में तड़प रहे हो? आया तुम भी रातों को तन्हाई में सर खाक पर रख कर उसे अपने आंसुओं से तर करते हो? बरसों से गमों ने इस घर में अपना डेरा जमाया हुआ है। लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं। हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा? तुमने तो कहा था कि अजीज़े मिस्र बड़े रहम दिल और दयालु हैं। तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गंदुम लाद कर किनान के लिए निकल ही रहे थे कि बिन्यामीन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया। बिन्यामीन चोर नहीं है, ये सब जानते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, क्या हमारे चाचा सच कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने चोरी की है? वो चोर नहीं है। नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है जो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब उन पर इस तरह तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन सभी ने देखा था कि जाम बाबा के सामान से ही बरामद हुआ था। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तलाई जाम ही तो मिला है। क्या मालूम ये जाम खुद इन्होंने ही उनके सामान में रख दिया हो। अगर सबने अपनी आंखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना, तभी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं। इन लोगों की खैर नहीं। अगर मेरे बाबा पर किसी भी किस्म की कोई आंच आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिन्यामीन चोर नहीं, गलत बात मत करो। सारे किनानी बिन्यामीन पर एतमाद करते हैं। अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे बताओ मेरे सामान से क्यों मसरूका माल बरामद नहीं हुआ?
वो और उसका भाई दोनों ही चोर हैं। उन्होंने हमसे हमारा बाप चुराया है। हम सालों बाबा को पाने की आरजू में जलते रहे। उन्होंने फुप्पी फायका का कमर बंद चुराया। उन्होंने ही अजीजे मिस्र का तलाई जाम चुराया। वो दोनों ही चोर हैं। बाबा, क्या आप वाकई हमारे चाचा बेनियामिन को चोर समझते हैं? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बाबा। मुझे भूख नहीं है, चली जाओ। जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊँगी। अभी मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी जान, मुझे भूख नहीं है। इल्तिजा करती हूँ बाबा, दरवाजा खोलिए। मेरे खुदा बाबा, आपकी आंखें, ये क्या हो गया? आपने अपने साथ क्या कर लिया बाबा? आपकी आंखें सफेद हो गई है। आइए दादा जान, आइए यहाँ बैठ जाइए। आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हैं बाबा? खुदा ना खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रहे हैं बाबा? क्या हुआ दीना? क्या हो गया? ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी? यूसुफ, 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 मेरे बच्चे। क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं। सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए आप बस कीजिए। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं, जाओ मुझे तना छोड़ दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा, हम तो आए हैं ताकि आप। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर। बाबा सुने तो सही। बाबा हमारी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ 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 बाबा, बाबा इंतजार करती हूँ। अफसोस मेरा यूसुफ, हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ, हाय हाय मेरा लावी, मेरे बच्चों। क्या हुआ, क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं, एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं, आगे तो तुम्हारी। लेकिन क्या करें, कुछ तो करना होगा। यूसुफ मेरे गुमगश्ता, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरी किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख ले। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये दरवाजा खोलिए। बाबा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा, नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा,
तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया, अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। अगर क्या चाहते हो कि मैं अपने चिकरकोशों के लिए रोऊं भी नहीं? मैं इसीलिए कि नाम से तुम चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। गोशा नशीनी इख्तियार फीता के तनाई में अपने यूसुफ के लिए जीवन की क्रिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया, और फिर भी ये तवक्कुर है जबकि मैं गिरिया ना करूं। चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा फरियाद ना करूं, मेरे पीछे छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इतने पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ तुमने छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वाद बजानी बहू, हमने वो खतार गुना किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन जाहिरी आंखों का मोहताज नहीं, तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। ऐ काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती, और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाकये को भुला पा रहे थे कि अजीज़ मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ, वो बाइस बने ताकि हमें अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सद कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल। जानता हूं गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है। दरूद बर याकूब नबी। फरिश्ते वही खुशामदीद देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या नजर रहा हूं, देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद के फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यक्ता की जात है। और यूसुफ आईने खुदा नुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाल खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदा नुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदावंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डाल। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदा नुमा घूम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक बिलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक बिलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में
मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है या और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाह परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावन ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावन ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। भाई मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन खुदावंद यक्ता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूं और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यक्ता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है, शायद ये दर्द और गम की इंतहा और राहत और सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तिताम हिजर और फिराक और आगाज विसल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाकयात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पा लोगे। फरिश्ता है वही, कहां है आप? आज के बाद से मैं अपने तमाम तरकीले शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं, तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूं और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूं। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वगर ना खुदा आईना तो काबिले दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वगरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफहूम में इश्क का इतराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता। (laughs)